बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने ओटीटी पर धमाकेदार डेब्यू किया और पटना शुक्ला सीरीज में वो दमदार किरदार में नजर आ रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक फिल्म ऐसी है जिसमें रवीना ने नेगेटिव रोल निभाया था जो बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं लेकिन टीवी पर ब्लॉकबस्टर रही। यम है हम, ये डायलॉग सुनकर यकीनन आपको कादर खान की याद आ जाएगी जिन्होंने फिल्म तकदीर वाला में यमराज का किरदार निभाया था। इस फिल्म में साउथ सुपरस्टार दगुपति वेंकटेश के अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन भी नजर आई थी और इस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया था। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रवीना टंडन की ये फिल्म बड़े पर्दे पर बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुई, पर टीवी पर जब ये फिल्म आई तो दर्शकों को खूब पसंद आई। तो आइए आपको बताते हैं इस फिल्म से जुड़ी दिलचस्प स्टोरी के बारे में। मई 1995 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म तकदीरवाला को बनाने के लिए केवल 30 दिन लगे। दरअसल 30 दिन में ही इस फिल्म की पूरी शूटिंग हो गई और बड़े पर्दे पर फिल्म रिलीज हुई। लेकिन जब यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई, पर जब टीवी पर इस फिल्म को टेलीकास्ट किया गया तो इसका एक एक डायलॉग दर्शकों को रट गया, जिसमें यम है हम डायलॉग तो सबसे ज्यादा फेमस है। टीवी पर ये फिल्म कई बार दिखाई जा चुकी है और लोग भी इसे बार बार देखते हैं और इस फिल्म की कॉमेडी को बहुत एंजॉय करते हैं। तकदीर वाला फिल्म में रवीना टंडन ने लिली नाम की लड़की का किरदार निभाया था जो एक नेगेटिव रोल में नजर आई थी। वैसे इस फिल्म का डायरेक्शन के मुरली मोहन राव ने किया था। ये फिल्म यमराज और चित्रगुप्त पर बनी हुई है, जिसमें उनकी किताब गुम हो जाती है जिसे ढूंढने के लिए वो खुद धरती पर आ जाते हैं। वैसे आपने ये मूवी देखी है या नहीं हमें कमेंट में बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें केबीसी न्यूज़।